में हूं निवेदिता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने की बात का पूरे विश्व में रोना रोने के बाद जब पाकिस्तान को कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर बैकफुट पर आते हुए उसने भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही, जो कि वो रोक ही चुका था और इसको लेकर वो अपनी पीठ थपथपाने में भी पीछे नहीं रहा। लेकिन जिन सिखों के प्रति वो अपना सद्भाव दिखाकर इस तरह की नौटंकी कर रहा है, उन्हीं सिखों के लिए पाकिस्तान में गहरी चाल चली जा रही है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ताजा मामला गुरुद्वारा तंबू साहिब के मुख्य ग्रंथी की बेटी जगजीत कौर से जुड़ा है, जिसका उसके घर से अपहरण किया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह भी पढ़वा दिया गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने पाक पीएम इमरान खान और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले में मदद की अपील की है, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बना और वहां के पंजाब के सीएम सरदार उस्मान बुजदार ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले की जांच की बात कही। लेकिन मामले के प्रति पाकिस्तान कितना संवेदनशील है, इसका बखान पाकिस्तान सिख काउंसिल के सदस्य ने कर दिया। उनका सीधा आरोप है कि पाकिस्तान में भले ही स्थिति कुछ और दिखती हो, सभी सिख भले ही ऊपर से पाकिस्तान में सुरक्षित दिखाई देते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सिखों पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिख काउंसिल के प्रतिनिधि सरदार मस्तान सिंह के मुताबिक यहां अक्सर सिख लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, जिसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा है। पाकिस्तान के गुरुद्वारों में सौदेबाजियां हो रही हैं, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं करती। यहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो है, लेकिन उसका वजूद और दफ्तर तक नहीं है और ना ही कमेटी को किसी तरह की कोई सुविधाएं दी जाती हैं। मस्तान सिंह ने तो ये भी बताया कि करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण कार्य के ऐलान के बाद से खुद को सिखों का हितैषी बता रही इमरान सरकार के राज में तो सिखों को गोली मारकर लोग भाग जाते थे और पुलिस सिर्फ मामले में FIR दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। अब यहां स्कूल जा रही लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक गैंग है जो खासकर 12, 13 और 14 साल की लड़कियों का पीछा करते हैं। माना जा रहा है कि जगजीत कौर से आयशा में बदली लड़की भी इसी गैंग का शिकार हुई है। बता दें कि इससे पहले सिंध प्रांत के घोटकी जिले से भी दो पाकिस्तानी हिंदू लड़कियों रीना और रवीना को भी अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, जिस पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद के इंडियन हाई कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई थी।